हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। और आज 5 दिनों के बाद दोस्तों 7 तारीख है, लखनऊ में मेरे धूप आई हुई है। देखिए धूप निकली हुई है और आशा है धूप का आनंद ले रहे होंगे और अडेनियम की अपनी देखभाल करने में लगे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर चैनल। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से ज़रूर पहले मिले। दोस्तों देखिए, 2 तारीख की शाम को हमारे यहाँ बारिश आ गई और मैंने आपको बताया था 2 दिन के लिए मैं बाहर गई थी। तो जिस समय मैं गई थी 2 और 3 को बहुत अच्छी धूप थी, 3 की शाम से बारिश आ गई और जैसे ही मैं 4 तारीख को वापस आई तो 1 दिन की बारिश तो मेरे प्लांट खा गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे प्लांटों को, क्योंकि बारिश का पानी आप सभी को पता है कि हमारे प्लांटों के लिए, विंटर प्लांट के लिए, सब के लिए अमृत का काम करता है। और 1 दिन की बारिश ही पाया है मेरा प्लांट, मगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बारिश के पानी में न्यूट्रिशन काफ़ी होते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावर के लिए बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, 1 दिन से ज़्यादा की बारिश हमारे अडेनियम के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखिए, आज 7 तारीख है फरवरी की और मैंने आते ही सबसे पहला काम किया कि अपने अडेनियम को सील पैक कर दिया। देखिए चारों तरफ से मैंने अपने अडेनियम को बंद कर रखा है और देखिए मदर प्लांट है। सबसे पहला काम तो आपको करना है कि अगर आपने शेड में रख लिया है कहीं अपने अडेनियम बेबी प्लांटों को, तो उठा के धूप में रख दीजिए। देखिए इस लाइन में मैंने सारे प्लांट रख दिए हैं। ये देखिए बेबी अडेनियम को लेके तुरंत दिन का 1 बजा है, 12:30 बजे तक तो हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं थी, बदली छाई थी, लेकिन 1 बजे लगभग धूप आ गई। तो अब मैं आई हूँ इनको खोलने, तो अगर आपने भी ढक के रखा है या शेड में रखा है तो फटाफट धूप में रख लीजिए। 4 जरूरी काम आपको करने होंगे अगर धूप आ गई है तो। पहला तो ये है कि इनको खोल दीजिए। देखिए इनके कॉर्डेस को भी मैंने ढक दिया था, आशीर्वाद की पन्नी से ढक दिया था, इनके कॉर्डेस को भी कोई नुकसान नहीं होने पाया। सारी पन्नियों को देखिए, पहले तो जो लिटाए हैं प्लांट उनको आप सीधा कर दीजिए जिससे इनकी जड़ों को हवा बयार मिल सके। बहुत भारी प्लांट हैं दोस्तों, मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं, माली भी नहीं है, लेकिन अब लगाया है तो उनको करना तो है ही है। सारे प्लांटों को आप ऐसे सीधा कर दीजिए, इस तरह से खोल भी दीजिए। देखिए चारों तरफ से अच्छे से मैंने बंद कर दिया था जिससे कि बिल्कुल गलने सड़ने ना पाए हमारे प्लांट। इतने महंगा और इतने दिन से पला हुआ प्लांट दोस्तों हम ख़राब होते हुए नहीं देख सकते। देखिए कुछ बाकी नहीं है, मेरे पास पन्नी थी, मैं पन्नी से भी ढक दी थी। तो पहला काम तो आपको करना है कि इनको खोल दीजिए जिससे एयर सर्कुलेशन होता रहे। अब दूसरा काम हमको ये करना है कि जो इनकी पत्तियां सूख गई हैं, जो अपने से टूट रही हैं, काली पीली पत्तियाँ हैं, इनको ऐसे हटा लीजिए। देखिए बहुत आसानी से निकल रही हैं क्योंकि अब पतझड़ का महीना आ चुका है। ये सारी पत्तियां अपने ऐसे झाड़ देंगे तो झाड़ने के बाद ये जड़ों में जाएंगी, जड़ों में इन्फेक्शन होगा। इससे अच्छा है कि हम खुद ही निकाल दें इनको। आपको ध्यान रहे, कई वीडियो में बताया है कि इनको ज़बरदस्ती नहीं तोड़ना है और उसके बाद आपको फेंकना नहीं है, कंपोस्ट बिन में डालते रहिए। रिपोर्टिंग के टाइम मैं इसका भी वीडियो बनाऊँगी कि कैसे लीप कंपोस्ट बनाते हैं। आप ऐसे ऐसे तोड़ के, और अब दूसरा काम ये करिए कि पहले तो ऊपर से काली पत्तियों को हटा दीजिए, दूसरा काम करिए कि जड़ों में जो इनके सूखी पत्तियां हैं वो नम हैं, बारिश के पानी से ये गीली हैं, तो जड़ों से भी आप इनकी पत्तियों को साफ कर दीजिए। मतलब ये हमारा कहने का है कि इनके सॉइल को एकदम क्लीन कर दीजिए, कोई पत्ती रहने ना पाए। नहीं तो पत्तियां अगर गीली हैं, सड़ गई, तो जड़ों में फंगस लग जाएगा, रूट रॉट भी हो सकता है। ये देखिए अब पूरी पत्तियां ये झाड़ देंगे क्योंकि
पतझड़ आ चुका है। कहते हैं जब पुराना हटता है तो ही नया मिलता है। इस तरह से आपको पत्तियों को एकदम साफ कर देना। हर प्लांट की, मैं 2 तारीख को गई थी तो सारे प्लांट की जड़ों को, सॉइल को एकदम साफ करके गई थी, लेकिन पतझड़ है इसलिए सब पत्तियां अपने आप ही गिर रही हैं। डंपोस्ट बिन में भरते जाइए। अब इनकी मिट्टी को तो आप साफ कर चुके, आपको एक और काम करना है, जो तीसरा काम है, साफ फंजीसाइड पाउडर ले लीजिए, क्योंकि बारिश का पानी खा चुका है, इन्फेक्शन होने में देर नहीं लगेगी। अब आपको करना ये है कि सारे प्लांट की मिट्टी को, जो कि बारिश के पानी से बैठ गई है और जम गई है, थोड़ा थोड़ा ढीला कर लीजिए। इस तरह से सारे प्लांटों की मिट्टी को आप ढीला कर लीजिए और जो पत्ती वगैरह हैं उनको बिल्कुल निकाल दीजिएगा। एक पत्ती भी रही तो प्लांट में रूट राट हो जाएगा, सड़न शुरू हो जाएगी। ये 4 जरूरी काम धूप निकलने के बाद हम सभी को करने हैं, नहीं तो फिर और रिपोर्टिंग और प्रूनिंग 3-4 दिन के बाद ही आपको करनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का रूल है कि जब हमारे प्लांट की मिट्टी एकदम ड्राई होगी तो ही हम इस पे काम कर पाएंगे। अब इस तरह आप सारे प्लांटों की मिट्टी को ढीला कर लीजिए। देखिए बारिश भी हुई है फिर भी हमारी मिट्टी एकदम अभी भी भुरभुरी और ड्राई है। आपको मैं हाथ में लेके दिखा रही हूँ, देखिए भुरभुरी है और ड्राई है, क्योंकि इसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब आपको करना ये है कि फंजीसाइड पाउडर ले लीजिए, आपके पास जो भी है साफ ले लीजिए, और नहीं तो वैक्सीन ले लीजिए। कोई भी आपके पास फंजीसाइड नहीं है दोस्तों तो आप हल्दी पाउडर ले लीजिए, और सारे प्लांट की जड़ों में 1-1 चम्मच प्लांट के हिसाब से। अगर प्लांट बड़ा है, मेरी तरह इस तरह बड़े प्लांट हैं, बड़े कॉडेक्स हैं, तो 1-1 चम्मच दे दीजिए। इस तरह से दे के हल्का हल्का सा मिक्सचर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से अप्लाई कर दीजिए फंजीसाइड पाउडर का। 2-3 दिन की धूप लगेगी तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर हम रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों कर सकते हैं। सारे प्लांटों की जड़ों में देना है दोस्तों। प्लांट तो हमारे पास बहुत हैं, लगभग 70 प्लांट हैं। इसमें जब तक करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तरीका आपको दिखा दिया है, 4 काम दिखाए हैं। पहले तो अगर बंद किया है आपने, शेड में रखा है तो फौरन धूप में रख लीजिए। दूसरा काम करिए, पीली पत्तियों को, सड़ी हुई काली पत्तियों को प्लांट से हटा दीजिए। तीसरा काम करना है कि अपने प्लांट की मिट्टी को आप ढीला कर लीजिए और इस तरह से अपने प्लांट में फंजीसाइड का अप्लाई कर दीजिए। और ध्यान रहे, अभी जब तक मिट्टी गीली है आपको ना तो प्रूनिंग करनी है और ना रिपोर्टिंग करनी है। 4 दिन धूप अच्छी निकल जाए। लेट तो ज़रूर हो गया है दोस्तों, मैं तो बिल्कुल लेट हो गई हूँ। कई लोगों ने प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर ली है पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बाहर जाना था। ये 4 जरूरी काम है, अगर आप करेंगे तो आपके प्लांट कहीं से भी खराब नहीं होंगे, कोई रूट राट नहीं होगा। और जिस तरह मेरे गार्डन में सालों साल फ्लावरिंग आप देखते हो, उसी तरह आपके गार्डन में भी पूरे के पूरे साल फ्लावरिंग होगी। मगर ध्यान रहे कि धूप निकलने के बाद ये 4 काम आपको किसी हालत में भी करने हैं। अगर ये काम नहीं किया और डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्रूनिंग कर दी तो आपके प्लांट स्ट्रेस में भी आ सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, रूट रॉट भी हो सकता है, प्लांट मर भी सकता है। इसलिए ये काम आपको ज़रूर करना है। मैं समय समय पर आपको अडेनियम से संबंधित जानकारी देती रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये काम करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो की जानकारी आप तक पहले से पहले पहुँचे। ये देखिए, हर प्लांट में, मदर प्लांट में भी मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी पत्तियाँ पीली हो गई हैं। अब बाद में करती रहूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, आज के लिए इतनी ही जानकारी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।